तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये मुश्किल हम खुद ही अपने माइंड में बना लेते हैं। ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बस इसको हमको समझना है कि प्रॉब्लम हो क्या रही है और किस लेवल पे हो रही है, और इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देना है ताकि ये दोबारा ना हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक दो बार हुआ, प्रॉब्लम ये है कि बार बार हो रहा है, हफ्ते में दो तीन बार हो रहा है जैसे आपने बताया। तो अब आपको क्या करना है कि जिस वक्त ये होता है उस वक्त आप इस स्टेट में नहीं हो कि आप कुछ समझ पाओ, कुछ कर पाओ, और उस वक्त कुछ करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप करने की कोशिश करोगे उतना ही चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकलेगा ना, वो तब निकलेगा जब सब कुछ सही होगा। यानी जब आपने कहा हफ्ते में दो तीन बार ऐसा होता है, तो उस वक्त इसका सोल्यूशन मत निकालो। लेकिन हफ्ते में चार पाँच दिन ऐसे भी होते हैं जब सब कुछ सही होता है, तो जब सब कुछ सही है तो खुद इन्वाइट करो इसको, इन मेमरीज को, गो देयर कॉन्शियसली, क्योंकि वो जब अपने आप आ जाएगा तो प्रॉब्लम है। फिर यू विल बी अफ्रेड ऑफ, सिर्फ ये नहीं कि ये याद आ रहा है, फिर आपको ये भी गुस्सा आएगा और ये भी डर लगेगा कि यार फिर हो गया, अब इसकी वजह से ये होने वाला है, अब इसकी वजह से मेरे ब्रीदिंग में चेंजेस आ जाएगा, अब इसकी वजह से मेरी थॉट प्रोसेस एकदम से रुक जाएगी, अब इसकी वजह से ये हो जाएगा, अब मेरे को एंजाइटी होगी, अब ये होगा वो होगा। तो दैट फियर इज नो मोर ऑफ कि क्या हुआ था, दैट फियर इज मोर अबाउट कि अभी क्या हुआ है। मतलब आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एक है फियर ऑफ या फिर रिग्रेट अबाउट जो हुआ पास्ट में, अभी इस टाइम पे वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो आप बोल रहे हैं। अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बार बार मेरे को वो याद आ रहा, तो वो याद प्रॉब्लम है, राइट? जिस याद की वजह से मैं एक पर्टिकुलर स्टेट में चली जाती हूँ, वो स्टेट प्रॉब्लम है। जो हुआ वो तो बहुत पहले ही होकर के खत्म हो चुका है, वो तो टॉपिक क्लोज हो चुका है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक तो डेलिबरेटली इसको आप इनवाइट कर सकते हो, कॉन्शियसली इसके अंदर आप जाओ, यानी कि जब सब कुछ सही है, यू आर फीलिंग गुड, तो उस फीलिंग को एंजॉय करने की बजाय आराम से कहीं जा करके बैठ जाओ, मे बी किसी ओपन स्पेस में, किसी पार्क में या कहीं पर, या अपने घर की छत पे, या कहीं पर भी जहां पे खुला एक स्पेस हो, जहां पे आप दो चार डीप ब्रेथ लेके और बोलो कि लेट मी रिमेंबर एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया, व्हाटएवर इट इज, जैसी भी वो मेमोरीज है आने दो उसको, फेस इट, क्योंकि उस टाइम आपकी स्ट्रेंथ पूरी है तो आप आराम से फेस कर जाओगे। जिस वक्त वो हो रहा है आपके साथ में, उस वक्त आपकी स्ट्रेंथ जीरो हो चुकी है ऑलरेडी, तो अब आप लड़ नहीं सकते। जिस वक्त आप बिल्कुल फिट फील कर रहे हो, जिस वक्त अच्छा फील कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई वीडियो देखी तो आपको एकदम से अच्छा फील हो रहा है, या कोई गाने सुने अच्छा फील हो रहा है, या किसी ऐसे फ्रेंड से बात हुई जिससे बात करके अच्छा लगता है, या अपने पेरेंट्स से, उसी वक्त उसी मोमेंट में जब अच्छा फील हो रहा है, जाओ और इन सब बुरे से बुरी मेमोरीज को इनवाइट करो अपने माइंड में कॉन्शियसली। अब बैठ के देखती हूँ कौन है क्या है, मतलब किसको देखती हूँ, उस पर्सन को नहीं, क्योंकि वो पर्सन तो गया जो भी था, राइट? आपकी लाइफ से गया। अब किसको देखती हूँ, उन मेमोरीज को देखती हूँ, देखती हूँ ये मेमोरीज मेरा क्या करती है, देखती हूँ ना मेरा क्या बिगाड़ती है मेमोरीज, लेट इट बी, आने दो ना उसको। तो जब आप कॉन्शियसली उसको इनवाइट करोगे और कॉन्शियसली याद करोगे, तो आप देखोगे, क्योंकि उस वक्त आपकी पूरी स्ट्रेंथ है, तो वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब अगर आ भी जाए वो मेमोरीज तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही ये कॉन्फिडेंस आ गया, तो अब अगर वो दोबारा आएगी भी, तो आपके अंदर से डर निकल जाएगा कि अगर दोबारा वो सब हुआ तो क्या होगा। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक साइंटिफिक स्टडी हुई है, उसके बारे में आप चाहे तो ऑनलाइन जाकर के पढ़ सकते हैं, मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, वो यूएस में हुई, यूके में हुई, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट बहुत इंटरेस्टिंग उसमें से कुछ फाइंडिंग्स निकल करके आई। वो क्या था, अभी तक हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम याद करते हैं अपने पास्ट को तो हमें हमारा पास्ट याद आता है, ऐसा हमें लगता है, जबकि ये सच नहीं है। वो स्टडी क्या कह रही है, वो जो रिसर्च हुई है वो क्या कह रही है, कि आपको वो याद नहीं आता है जो आपके साथ हुआ है, आपको वो याद आता है जो पिछली बार आपने याद किया है। दोनों में फर्क है ना, कि अगर मैं आपको कहता हूं बचपन से अब तक जो कुछ भी आपके साथ में हुआ आप याद करो, तो आपको वो याद नहीं आएगा जो आपके साथ हुआ है, आपको वो याद आएगा जो भी अच्छी मेमोरीज हैं बुरी, जिसको आप याद करते आए हो। एक साइकिल बन जाती है, जो आपको याद आता है वही आपको बार बार याद आता है, और जितना याद आता है वो उतना ही पक्का हो जाता है, अगली बार उसके याद आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये मेमोरीज के लेवल पे प्रॉब्लम होती है, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है हमारी लाइफ से, लेकिन ये मेमोरीज रिपीट होने लग जाती है। तो मैं बात कर रहा हूं कि साइकिल को कैसे तोड़ा जाए, दिस इज अ लूप, दिस इज अ साइकिल बेसिकली। जैसे ही वो याद आता है उसके साथ में ये हो जाता है, क्या हो जाता है, वही जो पिछली बार हुआ था, याद क्या आता है, वही जो पिछली बार याद किया था।
फिर एक साइकिल बन जाती है। फिर आप कहते हो ये क्यों हुआ, जितना बोलते हो ये क्यों हुआ वो बार बार और याद आता है, जितना आप कहते हो मुझे याद नहीं करना है वो और याद आता है, फिर उसकी वजह से और रिएक्शंस होते हैं, एंजाइटी और बढ़ती है और गुस्सा आता है, फिर इस बात पे गुस्सा आने लग जाता है कि यार मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है फिर इसलिए बुरा लगने लग जाता है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है, ये एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है मेरे साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं इतना सा नहीं कर सकती, अरे मैंने इतने सेशन देखे हैं उसके फिर भी मैं निकल क्यों नहीं पा रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो गया, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, अब पता नहीं मैं इससे बाहर आ भी पाऊंगी नहीं, इस सब मोड में हम जाने लग जाते हैं एकदम से। तो आई एम जस्ट सेइंग कि जब आपकी स्ट्रेंथ पूरी है तब लड़ जाओ उससे, और एक बार खुल के लड़ जाओ ताकि ना उसके बाद फिर दोबारा चक्कर ही खत्म हो जाए। बहुत खुश होंगी। अरे होगा, क्यों नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर एक के अंदर, सिर्फ आपके अंदर नहीं, हर एक के अंदर कोई ना कोई डर होता है जिसकी वजह से उनको एंजाइटी होती है। तो जितना हम उस डर से भाग रहे होते हैं वो एंजाइटी और वो डर उतना ही स्ट्रांग होता चला जाता है, उसको उतनी ही स्ट्रेंथ मिलती चली जाती है। और जैसे आप एक बार उसके वर्स्ट साइड को फेस कर लेते हैं ना कॉन्शियसली, तो आपके अंदर से ये डर निकल जाता है अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि बुरे से बुरा क्या होगा, वो दोबारा याद आएगा, पहले भी बहुत बार आया ना, वापस से नॉर्मल हो गई ना, तो आगे भी हो जाऊंगी। तो मोमेंट दिस थॉट कम्स इन, जैसे ही आपको ये बिलीफ हो जाएगा कि आने दो ना, देखते हैं क्या हो जाएगा आएगा एक दिन के लिए या एक दो घंटे के लिए या रहेगा चला जाएगा, जैसे ही ये थॉट चलने लग गया माइंड में, आप उससे फ्री हो गए, उसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, फिर वो याद आना ही बंद हो जाएगा, आपका माइंड स्पेस पूरी तरह से फ्री हो जाएगा वहां से।